जैतों शहर के रुके विकास कार्यों को लेके उगे समाज सेवी संदीप लूंबा वालों वक्रे तौर पर किया गया प्रदर्शन। जानकारी अनुसार आज जैतों के रामलीला ग्राउंड विखे उगे समाज सेवी संदीप लूंबा वालों गंदे कूड़े विच खड़ के अपना रोस प्रदर्शन किया गया अते मंग कीती कि सरकारां वालों कोई भी समुचे प्रबंध जैतों अते खास करके पंजाब लई नहीं किए गए। उन्होंने दस्या कि जैतों दे विच ना कोई सिविल हस्पताल अंदर डॉक्टर है अते ना ही किसी होर महकमे संबंधी कोई भी काम काज नहीं किया जा रहा, जिसके चलदियां अज मेरे वालों यह रोस प्रदर्शन किया गया है। किन्ने अध्यापक किन्ने लोग मर के फाह ला लिया अगां ला लिया, इन्हां नौकरी है नहीं इन्हां कोले। ठीक है, दूजा मुद्दा नशे का चिट्टा गांजा फीम भुक्की समैक नेचर कैप्सूल केड़ा महल्ले च कित्थे नहीं विकदा मैनूं दसो। जिसम परोशी जैतों दे विच जिसम परोशी का धंधा हुंदा चैना रोड ते हुंदा, पुलिस नूं भी पता है। मैं दसदा फड़िया सी महीने बाद जमानत करा के बाहर आके फिर शरेआम धंधा चली जांदा, मिली भुगत है। जिहड़े बंदे दी मिली भुगत सी मैं पिछले हफ्ते तुहानूं दस्सिया जी, उन्हां ने कार्रवाई भी कीती है, उदों बाद फिर चल पिया काम। पैपाइयां पवा के 10-20 लाख दी उत्थे खुंजे लाइयां नहीं, 2-4 थावां ते लोकां नूं उल्लू बनाया। जे 5 सालों के लास्ट महीने में सीवर शुरू किया तो फिर की किया भाई जी, फिर थोड़े जिते लोगों की बदलाव रह गया। स्वाद ती अज 3 साल हो गए सीवर पै के दिखा, सीवर का पानी भर जाके दिखा। पीरखाना बस्ती अंबेदकर नगर टिब्बी साहब रोड जाके देख लो, लोग गुरु घर जाने हट गए, मेरी वीडियो देख लो, लोग कहते भाई गुरु घर जाने हटाता इन्होंने लीडर ने, गली के पहुंचे चक के लंघना पैंता है। आ हाल अच हो चुके हैं, पूरा शहर देख लो किलोमीटर का, 1 किलोमीटर एक गुसलखाना साफ हो। लूंबा आदे प्यो की लाद नहीं, गधे दे बह के मूँह कला करके जुलूस कटूंगा शहर में भी, मैं आपका आप कटूंगा जुलूस। एक गुसलखाना दिखा दे लीडर जोड़ा है। चौथा मुद्दा प्रवासियों का, प्रवासी आओ काम करो जी सदके करो, इन्हों का कोटा दिता जाए 2% 4% साढ़े सिर पर राज कर लीने इन्होंने बिठाया जाए, साढ़े बंद खंघन दिता जाता बाहर जाके। ठीक है, जिहड़ा आउंदा इत्थे हिमाचल के कश्मीर वांगू मुद्दे होने चाहिए है। बाहरला बंदा जगह ना खरीदे 5 साल बाद अगर वह चंगे काम करता तो उन्होंने व्यों तो बाद हिसाब ना जगह खरीदने की वैल्यू दी जाए, ना कि साढ़े इतने जाके जगह खरीद के साढ़े पंजाबी बंदे किराए ले उत्थे धक्के खाते। दो पीढ़ियां साड़ियां मलण सतमीं टीवी संदीप लूंबा वालों वक्रे तौर पर एक प्रोटेस्ट किया गया गा, उन्होंने पाटे कपड़े पाके गंद दे विच खड़ के आपका प्रोटेस्ट शुरू किया गया गा। तुसीं देख सकते हो किस तरह यह अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों नूं सहूलतां लई सरकारां तों मंग करदे वी जिहड़े इहनां दे हक बणदे आ, जिवें कि मेडिकल सहूलतां होईआं, पढ़ाई होई, अते नाल उन्होंने भी कहा कि मैं आप खुद पढ़ाई वड्डी लैवल दी कीती आ, जिवें कि आ मैडल मेरे पाई ने फिर वोटा आ गया, फिर बदलाव दलां आखिर किन्ना चिर बदलाव दलां करांगे, किन्ना चिर लोकां नूं गुमराह करांगे, किन्ना चिर लोकां नूं उल्लू बनावांगे, मैनूं इस चीज की समझ नहीं आउंदी है। किन्ने मौके सरकारां ने 70 साल तो लैके अज तक लीडरां नूं देते, जैतों दे विच सैकड़े लीडर आए, सैकड़े जम्मे, सैकड़े मर गए, किन्ने जैतों दा कुछ कीता, मैनूं इस गल दा जवाब दे दो। मीडिया जरिए पूरे पंजाब वासियां तक मैं आपकी आवाज पहुंचाउणी चाहुंदा कि पंजाब दे हालात दो बन चुके हैं। आ मोहाली कोले प्रवासी लोकां ने आपदा सरपंच चुन लिया, शर्म होनी चाहीदी है क्योंकि इत्थे हालात माड़े है, इत्थे हालात चंगे होण, इत्थे इंडस्ट्री लगे, पढ़े लिखे बंदियां दी वैल्यू पवे, तो क्यों अपने धी पुत बाहर जान जदों इत्थे गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला सब एक बराबर समझने हैं, तो हालात फिर इतों बद तो बदतर होणगे। गोलियां चल रही हैं, शरेआम दिन दिहाड़े बंदे आते हैं मोटरसाइकिलों के बंदा मार के चले जाते हैं, पुलिस CCTV कैमरे खंगालती रह जाती है, पुलिस भी की करूगी। ये हालातों के जिम्मेवार लीडर है लीडर, जदों तुसीं आपदे लोकां दी सुननी है, अहुदियां दी भुख, गन मैना दी भुख, कुर्सियां दी भुख, तुसीं किसों पंजाब दा बदलाव कर सकदे।